जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे लू लगने के बारे में और होम्योपैथिक मेडिसिन से आप कैसे राहत पा सकते हैं लू लगने की प्रॉब्लम से, और घरेलू उपचार आप क्या कर सकते हैं, बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, क्या लक्षण होता आप समझ सकते हैं कि लू लग गई है, इसी के बारे में वीडियो है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा ताकि फायदा अच्छा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और चैनल का पूरा फायदा आप तक पहुंच सके। तो पहली जो बात है, लू आखिर लगती कब है? जब भी आपका शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लू लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। कारण क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है और बॉडी में अगर पानी की कमी होती है या बॉडी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी एकदम से उसके साथ सामंजस्य से नहीं बिठा पाती है तो लू लगने के सिम्टम्स आने लगते हैं। लक्षण क्या क्या आते हैं? एक तो शरीर आपका गर्म हो जाता है, बुखार जैसे सिम्टम्स रहते हैं, डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। पानी अगर आप पूरा भी पी रहे हैं तो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, डायरिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी दस्त जैसी शिकायत होने लगती है, पेट आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आने लगती है, सर में दर्द और थकान इतनी ज़्यादा लगने लगती है जैसे कि शरीर की सारी एनर्जी जो है किसी ने चूस ली है। इस तरह के लक्षण आपको लू लगने में दिखाई देते हैं। तो बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी है और सन स्ट्रोक से बचना चाहते हैं तो आपको पानी पूरा पीना है, अपनी बॉडी को पूरा हाइड्रेटेड रखना है, फ्रूट और जूस ज़्यादा से ज़्यादा लेना है और तली भुनी चीज़ें कम लेनी, क्योंकि इनको डाइजेशन में आपको शरीर को ताकत ज़्यादा लगाने पड़ती है, ये पचती भी देर से है और ये आपका शरीर का बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। इस कारण से ये चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको डाइट में केरी, प्याज, नींबू ये चीज़ें जरूर अपनी शामिल करनी चाहिए। हल्का भोजन ज़्यादा लेना चाहिए और अगर आप धूप में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका अधिकतर बॉडी पार्ट जो है वो कवर हो ताकि लू यानी कि जो गर्म हवा है उसके थपेड़े आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे ना लगे और लू लगने के जो चांसेस है वो कम से कम रहे। तो अब बात करते हैं घरेलू उपचारों की कि क्या आप घरेलू उपचार कर सकते हैं अगर लू लग गई और इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने। तो सबसे पहला उपचार तो है केरी का पानी, यानी जो कच्ची केरी होती है उसका आप उसको उबालकर उसका जो पल्प होता है या गुदा होता है उसको आप निकालकर उसमें पानी मिलाकर उसको अच्छे से मिक्सर में पीस सकते हैं। इसके अंदर नमक, शक्कर और कुछ मात्रा में जीरा या काली मिर्च इस तरह की चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं और थोड़ा सा इसमें पुदीना डाल सकते हैं। ये जो चीज़ है कैरी पानी जिसको हम बोलते हैं, लू लगने में बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है, औषधि साबित हो सकती है और काफ़ी जल्दी आपके लू के लक्षणों को कंट्रोल में लेती है। दूसरी जो चीज़ है वो है कच्चा प्याज। कच्चा प्याज का रस आप चाहें तो अपने शरीर पर भी लगा सकते हैं, चेस्ट, सिर पर और अपनी कनपट्टी पे यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर लू लग गई है तो बहुत तेज़ी से ये आपके लू लगने के लक्षणों को ख़त्म कर देगा। कच्चा प्याज आप डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू पानी जरूर लीजिए अगर आपको लू लग गई है तो। नींबू पानी जो है इसके अंदर आपको थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक, काला नमक, सेंधा नमक भी आप इसके अंदर मिला सकते हैं, थोड़ा सा जीरा ऐड कर सकते हैं। ये जो नींबू पानी है ये भी आपके लू के लक्षणों को ठीक करने में मदद करता है। तो ये तो था घरेलू उपचार। इसके अलावा एक घरेलू उपचार और है जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है लू लगने के केस में। इसमें सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सूती कपड़ा जो होता है, छोटा सा आप सूती कपड़ा ले लीजिए, ये साइज़ का लगभग आपका जो हैंकी का साइज़ होता है, जेंट्स का जो रुमाल होता है, इतना लगभग आपको कपड़ा चाहिएगा, सूती साफ कपड़ा आप ले लीजिए। इस कपड़े को आपको एक बर्तन में अच्छा ठंडे पानी में भिगोना है, 2 मिनट के लिए भिगो के फिर उसको आप अच्छे से निचोड़ लीजिए और जो रोगी है उसको बहुत ही कम कपड़ों में लिटा दीजिए, जितने कम कपड़े होंगे उतना जल्दी असर आएगा। इसके बाद क्या करना है, उसको आपको रोगी के शरीर पे ऐसे फेरना है पूरा। इससे क्या होगा, अगर रोगी को लू लगी होगी तो उसको बहुत तेज ठंड महसूस होगी इतनी तेज गर्मी में भी। ऐसा जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है आपको कम से कम 6-7 बार करनी है और दिन में 2 से 3 बार करनी है। केवल इसी उपचार से, केवल इसी तरीके से भी लू को पूरी तरह से हटाया जा सकता है और जो सारे लक्षण हैं वो काफ़ी कंट्रोल में आ सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब लू लगी हुई हो तो बहुत सादा खाना देना है, बहुत ही कम मात्रा में फ्लूड ज़्यादा देना है, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं वो डिहाइड्रेशन जैसे ही होते हैं तो उस समय पाचन की क्षमता रोगी में बिल्कुल नहीं रहती है। और ये जो उपचार है अगर आप 2 से 3 बार करते हैं, ये लास्ट वाला सूती कपड़े वाला, तो बहुत तेज़ी से रोगी को आराम मिलता है। और अगर ठंड लगती है ये उपचार करते हुए, बार बार जब आप कपड़ा फेरते हैं बॉडी के शरीर पे
रोगी के शरीर पे और उसको ठंड लगती है तो ये इंडिकेशन है कि रोगी को लू ही लगी यानी गर्म हवा का ही असर हुआ है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ग्लोनिन बहुत अच्छी मेडिसिन है लू लगने के टाइम पे और जलसीमियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो कुछ भी लक्षण आ रहे हो और अगर आपको लू लगी है तो ये मेडिसिन जरूर अपने घर में रखिए। जलसीमियम 30 पोटेंसी में और ग्लोनिन 30 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके दोनों ही मेडिसिन आप ले सकते हैं लू लगने के केस में। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत तेजी से आपके लक्षणों को ठीक करेगी और आपको लू लगने से भी बचाएगी। अगर आप लू से बचाव चाहते हैं तो दिन में 2 बार आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि आपको कल कहीं जाना है, ऐसे हीट स्ट्रोक ना लगे, गर्मी में आपको बाहर निकलना ही है, तो आप 1 दिन पहले सिर्फ 2 बार इन मेडिसिन को ले सकते हैं। ये मेडिसिन काफ़ी आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं बचाव के लिए वो भी आप कीजिएगा तो लू लगने से आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो यही था वीडियो लू लगने से बचाव के बारे में और होम्योपैथिक मेडिसिन और घरेलू उपचार के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।